हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक सो टुडे वी हैव टू कंटिन्यू द सेम चैप्टर ऑफ यूनिट फाइव दैट इज सेक्शन ए चाइल्डहुड मेमोरीज एंड वी हैव कंप्लीटेड फर्स्ट पार्ट सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द सेम लेसन द रिमेनिंग एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर चाइल्डहुड मेमोरीज बाय रविंद्रनाथ टैगोर ओके सो इन द प्रीवियस वीडियो यू हैव सीन कि लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे ठीक है वो अपने फादर के साथ ट्रिप में गए हुए हैं ओके हिमालयन ट्रिप में जहाँ उनका एक्चुअल डेस्टिनेशन क्या है डलहौजी है और उनका जो हॉल्ट है बीच में उनको कहाँ कहाँ स्टॉप लेना है बोलपुर एंड अमृतसर में सो अभी वो बोलपुर की बात बता रहे हैं कि बोलपुर में क्या क्या हुआ क्या उन्होंने देखा ओके सो वो वहाँ के बिल्कुल भी उसको डिस्क्राइब किए हैं लिलीपुट की ज्योग्राफी को कि कितना सुंदर लिलीपुट जो एक्चुअल में इमेजिनेशन में ही जो एग्जिस्ट करता है एक्चुअल में लिलीपुट जैसे कोई जगह नहीं है ठीक है आपने गुलीवर की जो स्टोरी पढ़ी थी गुलीवर टेल्स उसमें आपने देखा था कि छोटे नन्हे लोग वहाँ रहते थे गुलीवर वाली स्टोरी में और वहीं लिलीपुट डिस्क्राइब किया गया है सो इस तरीके की जो इसका स्ट्रक्चर था वो बताया जा रहा है और उसके फादर इसमें ये भी बताया गया कि जो रविन्द्रनाथ टैगोर के फादर थे वो डेली प्रेयर करते थे और वो एक हिल पे प्रेयर करते थे जिसे उन्होंने कहा था रविन्द्रनाथ टैगोर को उस हिल को डेकोरेट करने के लिए ओके सो नाउ हमने यहां तक देखा था ओके सो इन द लास्ट वीडियो वी हैव कंप्लीटेड दिस मच ये कंप्लीट हो गया सो so हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं इन वन ऑफ द

जितनी भी जो नैरो वैलीज़ थी उन घाटियों में से किसी एक में उन्होंने क्या देखा एक रिवेलेट ओके okay? रिवेलेट मीन्स कि एक वाटर स्प्रिंग जो वाटर पूल था स्प्रिंग वाटर पूल लिटिल रिवेलेट कि एक लिटिल रिवेलेट मीन्स एक जो वाटर स्ट्रीम की तरह ओवरफ्लो हो रही थी और जहां पर जो टाइनी फिश थी वो क्या कर रही थी बैटल कर रही थी अपना रास्ता बना रही थी और आगे चल रही थी सो लुक एट दिस पिक्चर इस पिक्चर में आप क्या देख रहे हैं इसमें पालंकिन पालंकिन कौन सी पिक्चर में है वाली जो पिक्चर तो इसमें अवेलेबल नहीं है जिसमें चार या छह लोग फोर टू सिक्स पीपल होते हैं जो एक पर्सन को कैरेज में कैरी करके ले जा रहे होते हैं ओके ये रबीन्द्रनाथ टैगोर है ठीक है स्प्रिंग वो जो वॉटरपूल है उसके पास और ये जो है ये झेमपेन ओके ये झैमपेन की पिक्चर है जो झेमपेन होता है उसमें टू परसन एक पर्सन को इस तरीके से कैरी करके ले जाते हैं और इसका यूज हम कहाँ करते हैं जो माउंटेन या हिली एरिया से वहां पर चढ़ने के लिए ओके okay? सो so, हमने ये देखा कि रविंद्र टैगोर ठीक है वो स्प्रिंग उन्हें मिला रिवेलेट रिवेलेट रिवेले, अब वो अपने फादर को जाके ये बात बताते हैं कि उन्होंने क्योंकि जहां पर वो गड्ढा खोद रहे थे वहां पर तो हिलक बन गया क्योंकि जो सब सॉइल वाटर था वो तो बहुत ही नीचे था तो पानी नहीं आ पाया अब उन्हें अचानक से जो कोई स्ट्रीम देखी वाटर स्ट्रीम तो वो एक्साइटेड होकर अपने फादर के पास जाते हैं और कहते हैं आई हैव फाउंड अ लवली स्प्रिंग अब वो ये बता रहे हैं कि मुझे क्या मिली आई हैव फाउंड अ लवली स्प्रिंग मुझे एक लवली स्प्रिंग मिली है एक पानी का झरना एक बौछार ठीक है आई टोल्ड माई फादर कुडन वी गेट अवर बाथिंग एंड ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम देयर क्या हम अपना बाथिंग और ड्रिंकिंग वाटर वहां से नहीं ला सकते द वेरी थिंग ही एग्रीड शेयरिंग माई रैप्चर एंड गेव ऑर्डर फॉर अवर वाटर सप्लाई टू बी ड्रॉन फ्रॉम दैट स्प्रिंग अब वो वेरी थिंग मतलब वो जल्दी वो क्या हो गए तुरंत ही वो क्या हो गए एग्री हो गए है ना एंड शेयरिंग माई रैप्चर और मेरी खुशी को ठीक है मेरे पैशन को शेयर करते हुए शेयरिंग माई रेप्चर ठीक है वो ऑर्डर दिए तुरंत ही हैप्ली प्लेजर के साथ ऑर्डर दिए कि जो हमारा वाटर सप्लाई है वो वहां से उस स्प्रिंग से लाया जाए खींचा जाए ओके टू बी ड्रॉन फ्रॉम दैट स्प्रिंग नाउ नेक्स्ट इज वी लेफ्ट बोलपुर अब यहाँ से वो बोलपुर लेफ्ट कर दिए वहां से चले गए एंड मेकिंग शॉर्ट हॉल्ट एट अलाहाबाद एंड कानपुर नाउ कानपुर वी स्टॉप एट लास्ट एट अमृतसर अब वो अपना हॉल्ट हॉल्ट मतलब वो कहाँ कहाँ रुके अलाहाबाद में एंड कानपुर जो अभी हम कानपुर को क्या कहते हैं कानपुर ठीक है वी एट एट लास्ट अमृतसर और उसके बाद वो कहाँ स्टॉप किए अमृतसर में सो so, उनका जो एक्चुअल में डेस्टिनेशन क्या था डलहौजी था पहले वो बोलपुर गए देन वो बीच में कहाँ हॉल्ट किए अलहाबाद एंड कानपुर में और लास्ट में वो कहाँ पर हॉल्टिंग की उनका हॉल्ट था अमृतसर ओके नाउ

सारी सुबह है ना मेनी अ मॉर्निंग आई कंपनीड माई फादर मैंने अपने फादर का साथ दिया कहा गए वो अपने फादर के साथ गुरु दरबार में ये जो सिक्स के गुरुद्वारा थे और ये जो अमृतसर टेम्पल का जो गुरुद्वारा बना हुआ है वो एक्चुअल में लेक के बीच में बना है इन द मिडिल ऑफ द लेक तो वह अपने फादर के साथ बहुत बार वहां पर गए थे चैंटिंग रिस कंटिन्यूली वहां पर क्या होता था जो पवित्र चैंटिंग थी जो मंत्र था है ना जो भी गुरुद्वारा में जो चैंटिंग की जाती है वो कंटिन्यूटली क्या हो रहा था साउंड कर रहा था रिसाउंड रहा था कि बार बार उन मंत्रों का उच्चारण किया जा रहा था माई फादर सी एमिस द थ्रॉन्ग ऑफ वर्शिपर्स वुड समाइम्स एड हिज वॉइस टू हिम ऑफ प्रेज

एंड वुट समाइम एड वॉइस और अपनी भी आवाज है न वो एड करते थे अपना भी जो हिम था हिम जो उनका रिलीजियस सॉन्ग था या रिलीजियस पोएम थी ठीक है गॉड के लिए गॉड के प्रेस में जो रिलीजियस सॉन्ग सॉन्ग वो गा रहे थे तो उन्हें भी ज्वाइनिंग इन दियर डिवोशन उनके डिवोशन को में वो भी ज्वॉइन हो जाते थे और वो भी क्या करते थे गाया करते थे अपनी भी आवाज उसमें ऐड किया करते थे ओके दर्शिपर्स वुड इंथोजियाली वुड रिटर्न लोडेड विद दिंग ऑफ सुगर क्रिस्टल्स एंड स्वीट जो वहाँ के वर्शिपर्स थे है ना जो पूजा करने वाले लोग थे जो भी पूरे सिख्स थे है ना वो बिल्कुल भी कैसे हो जाते थे वैक्स इंथोजियाली कॉर्डियल मीन्स बिकम इंक्रीजिंगली फ्रेंडली बहुत ही ज्यादा उनसे फ्रेंडली हो जाया करते थे एंड वुड रिटर्न लोडेड विद द और वो कैसे लौटा करते थे एकदम उनको जो सेंक्टिफाइड ऑफरिंग की जाती थी ऑफरिंग मतलब उन्हें जो भी प्रसाद के रूप में जो पवित्र प्रसाद ऑफर किया जाता था सुगर क्रिस्टल्स मतलब मिश्री और जो स्वीट्स दिए जाते थे मिठाइयाँ दी जाती थी तो वो उससे बिल्कुल भर के उसके साथ वो लौटते थे रविन्द्रनाथ टैगोर एंड उनकी

पहाड़ियों पे ठीक है एज वी वेंट अप इन दैमपेन जैसे वो जैमपेन में ऊपर गए वर ऑल अ फ्लेम अ फ्लेम मीनस इन फ्लेम्स बिल्कुल वो अ फ्लेम विद द ब्यूटी जैसे ब्यूटी वहां पर क्या हो रही हो बर्न कर रही हो एकदम ब्यूटी दिखाई दे रही हो जैसे बर्निंग फ्लेम्स की तरह ब्यूटी होती है ना तो वैसे ही ब्यूटी से वो भरी हुई थी ऑफ द फ्लावरिंग स्प्रिंग क्रॉप्स जो बिल्कुल फ्लावरिंग स्प्रिंग के क्रॉप्स होते जो फसल थे और जो फूल थे उनसे भरी हुई वो जो घाटिया थी उसकी जो ब्यूटी थी वो पूरी ब्यूटी से वो हिल क्या हुई थी भरी हुई थी जब वो जैमपेन में बैठ के ऊपर जा रहे थे और जैमपेन मैंने आपको बताया कि जब एक कैरेज होता है जिसको टू picture, टू लुक एट दिस पिक्चर कि एक में एक में पर्सन को लेकर ऊपर जा रहे होते हैं ओके okay? उस, उसे उन्हें ले जाया जाता है इस तरीके से दैट इज कॉल्ड योर जैमपेन माई आईज हैड नो रेस्ट द लाइव लॉन्ग डे सो ग्रेट वॉज माई फियर लेस्ट एनी थिंग शुड स्केम कि माई आईज हैड नो रेस्ट द लाइव लॉन्ग डे कि मेरी आंखों को थोड़ा भी रेस्ट नहीं था पूरे दिन ठीक है सो ग्रेट वॉज माई फियर कि मेरा डर इतना ज्यादा था माई फियर लेस्ट एनीथिंग शुड एस्कैप ठीक है कि कोई भी चीज क्या हो जाए लेस्ट एनीथिंग शुड एस्केप एस्के मतलब बच के निकल जाना कि कोई भी लेस्ट एनीथिंग शुड एस्केप दैम कि कोई भी चीज बचके ना चली जाए मतलब वो सारी की सारी चीजों को अपनी आंखों में समाये रखना चाहते थे कि उनकी आंखों को बिल्कुल भी रेस्ट नहीं था वो कोई भी चीज छोड़ना नहीं चाहते थे इतनी जो खूबसूरत ब्यूटी थी वो हिल्स की वो पूरे टाइम उसमें खो जाना चाहते थे रविंद्रनाथ टैगोर ओके वेर एवर एट द टर्न ऑफ द रोड इन टू अ गॉड द ग्रेट फॉरेस्ट ट्रीज वर फाउंड

होती थी कि वैली में जहां भी टर्न होता था ग्रेट ग्रेट फॉरेस्ट ट्रीज़ फाउंड बहुत ही जो great, बड़े बड़े जो बड़े-बड़े फॉरेस्ट के ट्रीज होते थे वो रहते थे गुच्छों में क्लस्टरिंग क्लोजर के एकदम पास पास गुच्छों में दिखाई दे रहे थे एंड फ्रॉम अंडर देर शेड और उनकी छाव में अ लिटिल लिटल ट्रिकल्ड आउट एक जो वॉटरफॉल था वो बाहर की तरफ से बैबल करता हुआ मतलब वॉटरफॉल जो नहरों की तरह से निकलता हुआ आ रहा था इट्स वे ओवर द ब्लैक मॉस कवर्ड रॉक्स मॉस कवर्ड रॉक्स मीन्स जो मॉस मतलब होता है जो ग्रीन येलो ब्लू ग्रीन जो पौधे होते हैं है ना जो रॉक्स में हो जाते हैं जो घर की वॉल्स में भी आपने देखा होगा कि है ना मॉस कवर्ड मॉस से कवर हो जाते हैं पूरे प्लांट से इस तरीके से कवर हो जाता है तो वैसे ही जो मॉस कवर्ड रॉक्स है उसके ऊपर से जो वाटर था वाटर फॉल वो ट्रिकल आउट हो रहा था बाहर निकल के आ रहा था बैबल करता हुआ है ना जो वाटर की आवाज होती है और जो स्ट्रीम होती है वो दैट इज कॉल्ड योर बेबलिंग है ना बेबलिंग करता हुआ वो आ रहा था मॉस कवर्ड रॉक्स के ऊपर से देयर द जैम्पेन एन उन और वहां पर ही क्या करते थे जो जैमपन बियर बियर मतलब जो लोड उठाने वाले थे को उठाने वाले लोग रहते थे वो अपना बर्डन अपना जो कैरेज को नीचे रखते थे अपने जैमपेन को और वहां पर टेकर रेस्ट रेस्ट किया करते थे नेक्स्ट इज द हाउस वेट यस नेक्स्ट इज द हाउस वी हैड टेकन एट बकरोता वॉज ऑन द हिल टॉप। अब एक जगह बता रहे हैं है ना जो वो हाउस लिए थे लिए थे बकरोता में जो हाउस लिया गया था उनका वो हाइएस्ट सबसे ज्यादा ऊंचाई पे हिल टॉप पे था वो हाइएस्ट हिल टॉप पे था माई फादर वॉज नॉट एट ऑल नर्वस अबाउट लेटिंग मी वर ठीक है मेरे फादर बिल्कुल भी नर्वस नहीं थे है ना कि मुझे घूमने देने जाने से उन्हें बिल्कुल भी चिंता नहीं थी इस तरीके से वो नहीं थे अबाउट फ्रीली इवन हियर कि यहाँ भी फ्रीली वो घूम रहे थे रविन्द्रनाथ टैगोर तो उनके फादर को बिल्कुल भी कोई भी डर नहीं था बिल्कुल भी नर्वस नहीं थे सम वे बिलो अवर हाउस देयर स्ट्रेच अस्पर्टिकली वुडेड विथ देवदार्स कि सम वे बिलो अवर हाउस उनके हाउस के नीचे कहीं पर क्या फैला हुआ था स्ट्रेच था अ हाई एरिया दैट स्टिक्स आउट इन अ हिल एक हाई एरिया निकला हुआ था दैट स्टिक्स आउट ऑन अ हिल स्ट्रेस्ट आई स्पर्ड थिकली वुडेड और वो कैसा था थिकली वुडेड विथ देवदार्स वो जो हाई एरिया था जो निकला हुआ था वो बिल्कुल भरा हुआ था किससे देवदार से देवदार के जो वृक्ष होते हैं उनसे इन टू दिस जो विल्डरनेस था आई वुड वेंचर अलोन माय आयरन स्पाइक्ड स्टाफ आयरन स्पाइक्ड मतलब जो नुकीली सी उनकी छड़ी थी स्टाफ मीन्स छड़ी तो इस तरीके के जो विल्डरनेस है ना विल्डरनेस मीन्स द एरिया ल्टिवेटेड है ना जो अनकल्टिवेटेड एरिया होता है तो इस तरीके से इंटो इस विल्डरनेस में भी जो रविंद्रनाथ टैगोर थे आई वेंचर अलोन वेंचर अलोन मीन जो रिस्की जर्नी होती है तो वो बिल्कुल अकेले ही वो वेंचर कर रहे थे जर्नी कर रहे थे विथ माई आयरन स्पाइकड स्टाफ जो उनकी स्टाफ थी जो उनकी स्टिक थी जो सपोर्ट के लिए वो यूज करते थे क्लाइंबिंग के लिए उसके साथ दीज लॉर्डली फॉरेस्ट ट्रीज जो ये लॉर्डली फॉरेस्ट ट्रीज थे जो फॉरेस्ट ट्रीज थे उनको किसके समान कहा जा रहा है लॉर्डली भगवान के तरह ओके okay? ट्रीज विद देयर ह्यूज शैडोज उनकी जो परछाइयां थी वो कैसी थी बहुत ही ज्यादा ही बड़ी थी ह्यूज शैडोज टावरिंग लाइक सो मैनी जॉइंट्स ऐसे वो खड़े हुए थे ऐसे टावरिंग कर रहे थे जैसे बहुत सारे जाइंट्स खड़े हैं बहुत सारे दानों लंबे लंबे खड़े इतने बड़े बड़े ट्रीज थे उनकी शेडोज थी

एंड येट दिस बॉय और ये जो बॉय है मीन रविंद्रनाथ टैगोर खुद के लिए कहते हैं एंड ये दिस बॉय ऑफ ओनली दीक है रेंगना होता है अबाउट देर ट्रांक्स की जो उनकी जो ट्रांस थी है ना अनचैलेंज ट्रांक्स थी ऐसी जिनकी ट्रांक्स में चढ़ना बहुत ही मुश्किल है वो चैलेंजिंग टास्क है जिसे कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता ऐसे पेड़ों की जो ट्रंक्स में जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, थे दूसरे ही दिन वहाँ पर क्या करना करना स्टार्ट स्टार्ट कर कर दिए थे, थे। वॉज क्राउलिंग अबाउट दिन स्टाफ इन हैंड आई वुड फ्रॉम वन पीक टू अनदर बट माई फादर डिड नॉट ऑब्जेक्ट तो अब वो बता रहे हैं कि स्टाफ इन वन हैंड एक हाथ में क्या रखे हुए रखे हुए स्टाफ रखे आई वुड वंडर 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 मैं wonder करता था फ्रॉम फ्रॉम अवे वन टू अनदर एक ऊंचाई से दूसरी ऊंचाई एक पीक से दूसरे पीक तक के बट माई फादर डिड नॉट ऑब्जेक्ट परंतु मेरे फादर ने कभी भी मुझे रोका नहीं ऑब्जेक्ट नहीं किया कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया टू हिज लाइफ आई हैव ऑब्जर्वड ही नेवर स्टूड इन द वे ऑफ आवर इंडिपेंडेंस कि टू द एंड ऑफ हिज लाइफ उनके अंतिम समय में है ना मैंने ऑब्जर्व किया मैंने ये महसूस किया कि ही नेवर स्टूड कि वो कभी भी हमारे स्वतंत्रता हमारे इंडिपेंडेंस के रास्ते में नहीं खड़े हुए कि रविंद्रनाथ टैगोर के फादर ने हमेशा उनको फ्रीडम दी है ना फ्रीली वर करने दिया तो फ्रीडम का मतलब यहाँ पर फ्रीडम केवल घूमने की फ्रीडम से नहीं है केवल ट्रैवलिंग की फ्रीडम से नहीं है ट्रैवलिंग तो एक अलग एक्सपीरियंस है वो तो हमें लाइफ का एक्सपीरियंस देता ही है सर्वाइवल स्किल्स देता है, है। बट एक और एक्सपीरियंस एक और फ्रीडम है फ्रीडम ऑफ थॉट्स की सोचने की फ्रीडम तो वो जो उन्होंने अपनी लाइफ से सीखा और वही यही जो चीजें थी यही जो लर्निंग उनको मिली ये जो एक्सपीरियंस ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस उन्होंने एक्चुअल में क्या सीखा फ्रीडम ऑफ थॉट तो ये जो थाट है उनको वो अपने वर्ड्स में एक्सप्रेस किए लिटरेचर बनाए और उन्होंने पोयम्स सॉन्ग्स म्यूजिक क्योंकि जब हम माइंड से एकदम फ्री होते हैं तभी हमारे मन में अच्छे थॉट्स आते हैं और ऊपर से वो नेचर नेचर के पास रहते थे नेचर के पास इतना ट्रेवल किए हैं नेचर के साथ टाइम स्पेंड किए तो उनके थॉट्स भी एकदम प्योर थे तो इस तरीके से रविन्द्रनाथ टैगोर अपनी जर्नी के अकाउंट को है ना उस अकाउंट के पार्ट को शेयर करते हैं Okay, so it's all about the chapter childhood memories. Okay, by Rabindranath Tagore. So hope you understood the lesson properly. So in the next video, okay, we will start our new lesson, and the rest of the work is for you. Okay, so thank you, dear students. Thank you for watching.